एक और अहम चीज के बारे में आपको बताएं, सामान की ढुलाई के लिए ईवे बिल जरूरी बनाने का फैसला फिलहाल टल गया है। सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य की माल ढुलाई के लिए ईवे बिल को तकनीकी दिक्कतों की वजह से फिलहाल टाल दिया है। जीएसटी के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई के लिए ईवे बिल 1 फरवरी से लागू होना था। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने ट्वीट कर कहा है कि शुरुआती तकनीकी दिक्कतों के चलते ईवे बिल निकालने में हो रही परेशानियों को देखते हुए इसे फिलहाल टाल दिया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि इसे जरूरी बनाने की तारीख आगे दोबारा बताई जाएगी। कारोबारियों का कहना है कि ईवे बिल सिस्टम को 1 अप्रैल से लागू करें तो अच्छा होगा। ईवे बिल को लेकर पूरे देश में टेक्निकल एरर आ रही है और इस वक्त हम अहमदाबाद की न्यू क्लोथ मार्केट में है जहां पर कपड़ों का कारोबार हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है। हमें ये बताइए कि कल से लेकर अगर आप ईवे बिल जनरेट करते हैं तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ईवे बिल के जो साइट है वही ओपन नहीं हो रही है और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो भी तीन दिन लगे उसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे कंपनी को, मतलब रजिस्ट्रेशन से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था क्योंकि उस पर लोड ही इतना है क्योंकि नेशनल लेवल पर एक ही पोर्टल है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उस पर जनरेट लॉगिन करना ही मुश्किल हो रहा है, तो ईवे तो सेकेंड पार्ट हो गया। भरत भाई, ऐसी स्थिति में कपड़ों के कारोबारियों पर क्या क्या समस्या का सामना कर रहे हैं और आपका क्या सुझाव है? नहीं, ये ईवे बिल के कारण लास्ट एक हफ्ते से सब ट्रांजेक्शन रुके हुए हैं। लोगों ने सोचा ईवे बिल का आएगा फिर आगे माल रस्ते में अगर होगा इन ट्रांजिट होगा, इसलिए पीपल वेर होल्डिंग अप देयर स्टॉक एंड वेटिंग फॉर द 1st of February टू जनरेट द ईवे बिल। और कल एक साथ पूरे देश भर के व्यापारी ईवे बिल पोर्टल पर अगर चले गए थे तो पूरा सिस्टम ही हैंगअप हो गया। तो हमारा कहने का यही है कि एक बार जब तक ये सब, अभी तक लोग जीएसटी के उभरे नहीं हैं और नहीं उभरे हैं, तो एटलीस्ट बाय दिस फाइनेंशियल ईयर दे शुड बी उसको नहीं करें और 1 अप्रैल के बाद में इसको जब पूरा तैयारी करके आए उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहीं पर यही एक राय निकल कर आ रही है कि भले ही 20 दिन का समय दिया है, ईवे बिल में छूट छाट दी है, लेकिन जब भी ये वापस सिस्टम शुरू हो तब इस तरह की एरर न आए। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।